हेलो दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी बेस संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं नई नियुक्तियां। दोस्तों, इस टॉपिक से हम लगभग 25 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सारी ही नियुक्तियां मार्च 2020 की हैं। दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आज बताने वाला हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है रंजन गोगोई, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में रंजन गोगोई पहले राज्यसभा सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, यहां से आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है, आप याद रखिएगा कि रंजन गोगोई भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल लालजी टंडन ने भोपाल में दिलाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, किसे वॉलमार्ट इंडिया के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है समीर अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में समीर अग्रवाल को भारत में वॉलमार्ट का मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वे कृष्ण अय्यर का स्थान लेंगे। किसका? कृष्ण अय्यर का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, हाल ही में वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिषेक सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में अभिषेक सिंह को वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वे राजीव कुमार नप्पल, ध्यान से सुनिएगा, वे राजीव कुमार नप्पल का स्थान लेंगे। यहां से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वेनेजुएला की राजधानी। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, हाल ही में मुइनुद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलेशिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में मलेशिया के पूर्व गृह मंत्री मुइनुद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हें इस पद पर महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया है। किसके इस्तीफे के बाद दोस्तों? उन्हें इस पद पर महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया है। दोस्तों यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मलेशिया की राजधानी। तो याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहां की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में संजय कुमार पांडा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्की, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, अभी हाल ही में संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वे संजय भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। किसका? संजय भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों तुर्की की राजधानी। तो याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी है अंकारा और यहां की मुद्रा है दोस्तों टर्की लीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को किस देश का दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आम चुनाव में जीत हासिल की है और वे फिर से
प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर है इसराइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनील जोशी, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में केंद्र सरकार ने नया वित्त सचिव किसे घोषित किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजय भूषण पांडे, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में अजय भूषण पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेनिस सिमगल, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूक्रेन की संसद ने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में डेनिस सिमगल को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी गई है, तो दोस्तों इसकी राजधानी है कीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किससे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिमल जुल्का, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिमल जुल्का को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलाई है, इनके पद की शपथ रामनाथ कोविंद जी ने, यानी कि राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में जनेज जानसा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्लोवेनिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जनेस जानसा को स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों ये स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी से। दोस्तों याद रखिएगा, स्लोवेनिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसकी राजधानी है जुबलजान। क्या है दोस्तों? जुबलजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी हाल ही में नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। दोस्तों यहां से हम बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना की गई 1978 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अशरफ गनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरजीत सिंह देसवाल, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी सुरजीत सिंह देसवाल ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। दोस्तों इन्होंने विवेक जौहरी का स्थान लिया है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीएसएफ की, तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। यदि आपसे एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रशांत कुमार, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हाल ही में यस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है देवाशीष पांडा, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देवाशीष पांडा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए आरबीआई की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना की गई 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में।
और दोस्तों यदि बात करें हम वर्तमान आरबीआई गवर्नर की, तो आरबीआई वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और उससे भी ज्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है इनका क्रम, तो याद रखिएगा ये भारत के 25वें आरबीआई गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किसे गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है करण बाजवा, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में करण बाजवा को गूगल क्लाउड कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसे बजाज ऑटो कंपनी ने दोबारा से एमडी एंड सीईओ चुना है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव बजाज, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में बजाज ऑटो द्वारा राजीव बजाज को फिर से कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ गीता पीरामल को बजाज ऑटो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किसे इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अदनान अल जुर्फी, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने अदनान अल जुर्फी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों, याद रखिएगा। इराक की राजधानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इराक की राजधानी है दोस्तों बगदाद, और यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसे युगांडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए अजय कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में ए अजय कुमार को युगांडा गणराज्य के भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज्य सिंधिया द्वारा 22 विधायकों को बाहर ले जाने के बाद कमलनाथ सरकार संकट में आ गई थी, विधानसभा में बहुमत ना होने के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, आईसीसी ने कितने एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन डी। अभी हाल ही में आईसीसी ने 2 भारतीय एम्पायरों जिनके नाम हैं बृंदा राठी और जननी नारायणन को आईसीसी डेवलपमेंट एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का ऐलान किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है करीना कपूर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों अभी हाल ही में अभिनेत्री करीना कपूर को पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। यहां से आपके लिए इम्पोर्टेंट है पूमा किस देश की कंपनी है, तो याद रखिएगा पूमा एक जर्मन कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा को पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, क्योंकि ये पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। दोस्तों बात कर लेते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 2015 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में गोल्फ खिलाड़ी जिनका नाम है टाइगर वुड्स को साल 2021 के वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है दोस्तों। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है ये कि टाइगर वुड्स कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा टाइगर वुड्स अमेरिकी खिलाड़ी हैं।
दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।